एक्चुअली वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली चिकन, इसे हरा भरा चिकन भी कहते हैं, हरियाली मुर्ग भी कहते हैं, और भी कई नाम हैं। कुछ लोग इसे कोरिएंडर चिकन कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा धनिया डलता है। किसी भी नाम से देख जाने आप, पर ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से बनता है। जो भी आपके पास घर में है उससे बनता है। एक पुदीना है जो अक्सर घर में नहीं होता है, बस बाकी सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने चिकन थाइस लिए हैं, आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, पीसेस भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पूरी थाइस लिए हैं, उसको ऐसे लंबे लंबे ऐसे काट लिया है ताकि मसाला अंदर तक जाए। इसके बाद मैंने यहाँ काफ़ी सारा हरा धनिया, थोड़ा हरा पुदीना, देखिए एक मुट्ठी भर हरा धनिया पुदीना भी लिया है मैंने। इसके अलावा खड़ा गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, और मैंने ये इलायची ली है। बहुत सारी हरी मिर्च मैंने देखी, करीब 8-9 हरी मिर्च ली है। बहुत ज़्यादा हरी मिर्च भी डलती है इसमें। अदरक, लहसुन कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच मैंने दही ली है, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ऑफ कोर्स तेल। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन में अगर तेल पानी है जैसा कि मैं है, तो हम इसे एक्सेस पानी को निकाल देंगे। चिकन पे हमने लंबे लंबे ऐसे कट मार दिए हैं, इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। इसमें मैं दही डाल दूंगी और सारे सूखे मसाले जो भी हमारे पास हैं, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार और इसे हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं साइड में रख देती हूँ। तब तक अब हम चटनी पे काम करते हैं। चटनी का मतलब मैं इस सबको ग्राइंड करूँगी। यहाँ मैंने ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये जो धनिया मैंने लिया है वो मैंने अच्छे से धो लिया है। चाहे तो काट लें, पर ये मिक्सर अच्छा है, ये इसे बारीक पीस लेगा। मैं इसे बस तोड़ के ऐसे ही डाल दूंगी और इसका बारीक पेस्ट बना लें। याद रखें पुदीने की डंडियां काट लें, धनिया की भी डंडियां काट दें, स्पेशली पुदीने की डंडियां काफ़ी कड़वी होती हैं। तो इसको अब हम पीस के बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमने यह चटनी तैयार कर ली है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की। इसे हम अभी साइड में रख देंगे, जैसे कि चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा है उसी के पास रख दूंगी। इधर एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने पे ये जो खड़ा गरम मसाला है सारा डाल देंगे और उसे भूनेंगे। हल्का सा जब स्मेल आने लगे उस टाइम पे हम ये जो कटा हुआ प्याज है ये इसमें डाल देंगे। अब प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज देखिए अच्छे से भून गया है, ब्राउन हो गया है, हल्का ब्राउन, जलाना भी नहीं है। इस टाइम पे मैं ये चिकन के पीसेस इसमें डाल दूंगी। चिकन हमने डाल दिया है, अब इसे करीब 5-10 मिनट हम भूनेंगे, तब तक कि इसका पूरा पानी ना निकल जाए। अगर आपके पास छोटे पीस हैं तो 5 मिनट में ही ये काफ़ी हद तक आधा पक जाएगा। चिकन को हमने ढक के करीब 15 मिनट पकाया है। देखिए ये अब काफ़ी हद तक कुक है पर अंदर से अभी भी ये कच्चा है। इस टाइम पे हम इसे खोल के ये जो हरी चटनी हमने बनाई थी ये पूरी इसमें डाल देंगे। चिकन में जो चटनी हमने डाल दी है थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे फिर से ढक के करीब 10-15 मिनट कुक होने देंगे। और ये करीब 15 मिनट तक ढक के हमने इसे कुक किया है। देखिए
चिकन अब अच्छे से कुक हो गया है, ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। चाहे तो आप थोड़ी और ग्रेवी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर ये परफेक्ट है। और अब ये हम गैस बंद कर देंगे और ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। इसे हम गर्मा गर्म चपाती या चावल से सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म चिकन हरियाली रेडी है, इसे आप गरम गरम ही सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। चपाती के साथ, बाजरी के रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।